सो हाई एवरीवन, माय सेल्फ रविशन कुमार। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जो राउंड टू का जो एक्सपेक्टेड कटअप होना चाहिए वो कितना होगा, आपका एक्सपेक्टेड कटअप, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो न्यू कॉलेज है वो भी ऐड हो चुके हैं। सो ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा में आपका जो कंपेरिजन होने वाला है वो आपको पता चल गया है, चूँकि राउंड टू का रिजल्ट आ गया है आपको पता है, और राउंड वन जो स्टेट का है उसका भी आपको पता है। ले सो इस दोनों में आपको जो डिफरेंस है वो आप अभी हम आप बताने वाले हैं। इसके साथ जो राउंड टू का जो एक्सपेक्टेड कटअप होने वाला है वो कितना होने वाला है वो सब हम आपको डिस्कस करके बताएंगे। सो चूँकि वीडियो आपको थोड़ा सा 5-7 मिनट का वीडियो होगा, लंबा होगा, इसलिए आप थोड़ा वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको पूरा समझ में आ सके, क्योंकि यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो पड़ा हुआ है, आप उसको भी देखते ही होंगे, आप इस वीडियो को भी देख ही रहे होंगे। सो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको जो आगे जो इतने भी वीडियो हम बनाएंगे उस पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। जो राउंड टू है उससे पहले हम राउंड वन का जो आपका एक्सपेक्टेड कटअप जो आपका था वो हमने पहले वीडियो में बना चुका है, आपको बताया था, आप उसको देखो कितना सटीक जो आपका जो कटअप गया है हमने उसको बताया था, कोई डेविएशन नहीं होता, एग्जैक्ट उतना कटअप आपका गया था। राउंड वन में जो आपका जो उत्तर प्रदेश का जो आपका है जनरल में आपका 23,776 और फीमेल्स के लिए 23,670 गया है आपका, EWS के लिए आपका 24,981 है और जो फीमेल्स के लिए 24,799, OBC के लिए 25,111 और जो फीमेल्स के जो है वो चूँकि ये मेल्स एंड ओपन कैटेगरी होते हैं, जितने भी आप में मेल्स और फीमेल्स दोनों आ सकते हैं, फीमेल्स की एक अलग कैटेगरी होती है, उसके लिए आप 24,945 है। SC कैटेगरी के लिए 174,054 और 169,000, ज़्यादा डिफरेंस दोनों में नहीं आया मेल और फीमेल्स के लिए। ST कैटेगरी के लिए 533,966 है और 546,558 आपका फीमेल्स के लिए गया है। यदि मार्क्स वाइज आप देखते हो 654 आपका गया है जनरल के लिए, 652 AWS के लिए, OBC के लिए 652 है, ST कैटेगरी के लिए आपका 522 है और ST कैटेगरी के लिए 329 है। जो इस आधार पर आप हम राउंड टू के लिए कटअप है जो हम निकाल रहे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलेज भी इंक्रीज किए हुए हैं इस बार राउंड टू में ऐड हुए हैं, उस आधार पर आपका जो जो कटअप होने वाली है, क्योंकि राउंड वन में आपका कटअप कितना 23,000 गया था, अप्रॉक्सीमेटली 23,700 गया है। सो इस आधार पर आपको जो राउंड टू में जो चूँकि न्यू कॉलेज ऐड होने के बाद आपका 26,000 के आसपास में जाने वाला है, 26,700 EWS के लिए, 28,500 OBC के लिए, आपका 28,500 भी आपको जाना, चूँकि OBC और EWS से उत्तर प्रदेश में ज़्यादा डिफरेंस नहीं जा रहा है। SC कैटेगरी के लिए 1.9 लाख के आसपास में जाएगा और ST कैटेगरी के लिए 6.5 लाख के आसपास में जो आपका कैटेगरी वाइज जो आपका कटअप जाने वाला है, क्योंकि इसमें हम मेल और फीमेल दोनों को इंक्लूड करके रखें, क्योंकि इसमें ज़्यादा वेरिएशन होने के चांस नहीं है राउंड टू में। राउंड थ्री भी आपका होने वाला है, चूँकि आपका राउंड टू में यदि कॉलेज नहीं मिलता राउंड थ्री में आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। यदि AIQ में चूँकि बहुत सारे स्टूडेंट्स UP बिहार राजस्थान इसका कटअप ज़्यादा जाता है, इसलिए स्टूडेंट्स AIQ से भी चले जाते हैं, न्यू कॉलेज ऐड हुए हैं, सो इससे भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि कटअप अच्छा खासा नीचे जाने वाला है। सो इसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप जो न्यू मेडिकल कॉलेज है उसके आधार पर भी आपका कटअप बहुत अच्छा से नीचे जाएगा। सो आप लास्ट तक काउंसलिंग जरूर करना, क्योंकि आप यदि आपको राउंड टू में कॉलेज नहीं मिलता है इसलिए राउंड में कॉलेज मिलने की चांस रहती है, बहुत सारे बच्चे आपको राउंड थ्री के बाद छोड़ देते हैं। सो ऐसा गलती मत करना, आपको राउंड थ्री तक भी आपको जाना है, उसके बाद स्टेट वैकेंसी राउंड होता है उसको भी आपको पार्टिसिपेट करना है, स्टेट का भी पार्टिसिपेट करना है, चाहे वो AIQ का भी पार्टिसिपेट करना है, चूँकि AIQ में एक रूल से यदि आप कॉलेज नहीं लेते तो आप 1 साल के लिए बैन हो जाओगे यदि कॉलेज मिलने के बाद, तो ऐसा गलती मत करना, पहले उसको देख लेना कि हमको स्टेट से जाना है या आपको AIQ से जाना है। सो ये आपका जो राउंड टू है उसका पूरा आपका एक्सपेक्टेड कटअप हुआ। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, और अगले कौन सा टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए जरूर कमेंट करके बताना। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।